तो हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप घर पे छिलके केले के छिलके की खाद कैसे बना सकते हैं, बनाना पील फर्टिलाइज़र कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक बॉटल पानी और दो केले के छिलके। तो सबसे पहले मैं इस पानी की बॉटल को खोलकर इस केले के छिलकों को मुझे एक एक करके इस पानी की बॉटल के अंदर डालना है। तो आपको छिलके को तोड़ना नहीं है, आप साबुत ही छिलके को अंदर डाल सकते हैं पानी की बोतल के अंदर। मैं इसे धीरे धीरे करके, थोड़ा टाइट होगा मगर इसे मैं इस बोतल के अंदर डालूँगा। ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। ये दरअसल इसमें इसके जो खाद बनेगी वो बहुत ही पोटेशियम ज़्यादा वाली खाद होती है, पोटेशियम रिच खाद। इसे अगर आप किसी भी पोटेशियम यानी कि किसी भी फल के पौधे पर या फूल के पौधे पर देंगे तो वो उस पौधे के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। किसी भी तरह के फल जैसे कि आम, चीकू, अमरूद आदि सभी में आप इस तरह की खाद डाल सकते हैं। और फूल के पौधे जैसे कि गुलाब, गुड़हल या फिर अन्य तरह के गेंदा फूल या फिर किसी भी अन्य तरह के फूल के पौधों पर आप इस पोटेशियम वाली खाद का पानी डाल सकते हैं, जिससे वो पौधे के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। दोस्तों इस तरह से मैंने दोनों छिलकों को पानी के अंदर डाल दिया है। अब इसे मुझे ढक्कन बंद करना होगा और मुझे इसे ऐसे ही 7 दिन के लिए छोड़ देना होगा। आपको दिन में 2 या 3 बार इसे आपको एक बार ऊपर नीचे कर देना होगा और इसकी ढक्कन को एक बार खोल देना होगा 2 या 3 दिन में एक बार, ताकि इसके अंदर के गैस को हम बाहर निकाल दें। मैं इसे ऊपर नीचे करके अच्छे से अभी मिला लेता हूँ। एक दो बार इसे अच्छे से शेक कर लें, एक बार अच्छे 2-3 बार अच्छे से हिलाने के बाद ये तैयार है। अब इसे मैं रख दूँगा किसी ऐसी जगह पर जहाँ धूप नहीं लगती। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये कुछ दिखने में ऐसा लगेगा, इसे रख देते हैं। तो अब 7 दिन बाद दोस्तों हम देख सकते हैं कि ये तैयार हो चुका है। अब मैं इसे दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये कुछ इस तरह का है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसे मैं एक बार हिला लेता हूँ, हिलाकर अब मैं इसे दरअसल इसे मैं ऐसे ही पौधे पर नहीं डालूँगा, इसमें मैं कुछ पानी मिलाऊँगा और फिर मैं पौधों पर इसका छिड़काव करूँगा। तो इस मग में पहले से दोस्तों थोड़ा पानी है, अब मैं इसे खोलता हूँ। खोलकर इसका जो पानी है मैं इस मग में डाल दूंगा। इस मग में पहले से थोड़ा पानी है ताकि ये खाद थोड़ी लाइट हो जाए, थोड़ी हल्की हो जाए। और अब इसके पानी को लेकर मैं तैयार हूँ, इसके पूरे पानी को मैं इस मग में डाल लेता हूँ। और ये जो पानी है, ये जो खाद बन के तैयार हो चुकी है केले के छिलके की खाद, ये इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम है, जो कि मैं इस खाद को फल के पौधों पर डालूँगा। दोस्तों ये वीडियो था कि आप घर पर केले के छिलके की खाद कैसे बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यह मेरा खाद तैयार हो चुका है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल का नाम है गार्डनिंग गाय। धन्यवाद। जय हिंद।